हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस के विंड एनर्जी के टॉपिक से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूजीसी नेट और एनटीए जो अब हो गया है उसमें काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले को आप याद कर लें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरी चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो देख लेते क्वेश्चन जो NTA June 2019 में पूछा गया था। A windmill has 10 meter diameter and efficiency of 40%. Wind velocity at normal temperature and pressure is 10 meter per second and the density of air is 1.29 kg per meter cube. The expected power output from the windmill is. उसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं, 20 kilowatt, 20.27, 10.27 and 10 kilowatt. दोस्तों, जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा वह फॉर्मूला है पावर पी दैट शुड बी इन किलोवाट, हाफ एफिशिएंसी दैट इज इन ईटा, ईटा दैट इज इन दैट इज एफिशिएंसी, देन रो दैट इज एयर डेंसिटी दैट इज इन केजी पर मीटर क्यूब। हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.29। कभी कभी दोस्तों हमें क्वेश्चन में एयर की डेंसिटी गिवन नहीं होती, तो हमें एयर की डेंसिटी की वैल्यू याद रखनी है, दैट शुड बी 1.29। और ए इज द फ्रंटल एरिया दैट शुड बी इन मीटर स्क्वायर, देन वी इज द वेलोसिटी ऑफ एयर दैट ऑफ द विंड दैट इज एयर ऑफ विंड दैट शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, जो इस फॉर्मूले में सारी यूनिट है वह मीटर सेकेंड एंड केजी में होनी चाहिए, ऐसा यूनिट, तभी आपका पावर किलोवाट में आएगा, आपका वाट में आएगा। तो पावर इज इक्वल टू हाफ, हमें एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी हमें गिवन है 40%, दैट इज इक्वल टू 0.40। हमें डेंसिटी गिवन है 1.29, तो डेंसिटी हम देंगे 1.29। देन हमें एरिया हमें गिवन नहीं, तो हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे। एरिया हमारा होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें डी गिवन है, डी डायमीटर 10 है, तो आर हमारा होगा डी बाय 2। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाए जो हमारा हो जाएगा पाई 5 स्क्वायर। देन हमें वेलोसिटी गिवन है That is 10 meter per second. तो हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.26 किलो वॉट। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।